हेलो एवरीवन, कैलकुलेशन ऑफ मोल में हम लोग आज एक नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ वन मोल वाटर एट 277 केल्विन इज 18 मिलीलीटर। वन मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। The number of molecules in one drop water will be, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है कि यहां पे आपको वन मोल वाटर दिया गया है जिसका वॉल्यूम 18 मिलीलीटर है और वन मिलीलीटर वाटर में 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आता है, तो वन ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको यहाँ एवोगैड्रोज नंबर कितना लेना है, 6 × 10⁻³। और यहाँ ऑप्शंस आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 10⁻²⁰ है, सेकेंड ऑप्शन में भी 10⁻²⁰ है, थर्ड ऑप्शन में भी 10⁻²⁰ है, फोर्थ ऑप्शन में 10⁻²⁰ है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1.07 × 10⁻²⁰ वाटर मॉलिक्यूल दिया रहा है। दूसरा बोल रहा है 1.67 × 10⁻²⁰ एंड थर्ड ऑप्शन है 2.67 × 10⁻²⁰ और डी ऑप्शन है 1.67 × 10⁻²⁰। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम डेटा को लिख लेंगे। तो देखिए गिवन में आपको क्या है, बोल रहा है कि आपके पास वन मोल वाटर है। याद रखिए आपके पास कितना मोल वाटर है, वन मोल H2O है और इस एक मोल H2O का वॉल्यूम कितना दिया है, 18 मिलीलीटर। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक मोल का अगर मास निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। यानी 18 ग्राम H2O किसके इक्वल है, तो ये 18 मिलीलीटर के, ठीक है। यानी अगर आप 18 मिलीलीटर का वेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 18 ग्राम आ रहा है। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं तो वो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इसलिए ऐसा फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये बात हम समझ गए। नेक्स्ट क्या डेटा बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, 1 मिलीलीटर अगर आप H2O लेते हैं तो इसमें कितने ड्रॉप्स बन रहे हैं, तो इनके 20 ड्रॉप्स आपके बन रहे हैं, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है, हमारे पास वॉल्यूम दिया है 18 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 18 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 18 मिलीलीटर्स अगर आप देखें तो सिंपली क्या करिएगा, 20 × 18 आप कर दीजिएगा तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 ड्रॉप्स हो जाएगा। और ये 360 ड्रॉप्स किसका है, वाटर का है, ठीक है जी। इतना हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग एक और यहां पे देख सकते हैं, मास ऑफ 360 ड्रॉप्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो आप यहां पे
क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि आपके पास यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि सिंस 360, ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ 360 ड्रॉप, मास ऑफ 360 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर एज कितना दिया है 18 ग्राम। तो आप वन ड्रॉप का मास निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ वन ड्रॉप कितना होगा जी, तो मास ऑफ वन ड्रॉप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 360 करिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/20। ठीक है जी, अब ये वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.05 ग्राम, यानी एक ड्रॉप का जो मास है वो कितना आ गया, 0.05 ग्राम। तो अब आप यहां से मोल निकाल सकते हैं क्या, मोल ऑफ वन ड्रॉप। ठीक है, तो मोल अगर आप निकाल सकते हैं तो मास आ गया 0.05 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास कर दीजिए 18। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.0027। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, मोल अगर मालूम है तो कैसे निकालते हैं, तो Na इंटू मोल। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर इनटू आपको क्या करना है, मोल करना है, तो एवोगैड्रोज नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिया है 6 × 10⁻²³, और मोल का वैल्यू दिया है 0.0027। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आएगा 0.0167 × 10⁻²³। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना होता है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ा होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 2 डिजिट हमने आगे रखा है डेसिमल को, तो इधर से आपको क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, और ये आपका 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 1.67, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो आपके पास हमारे पास जो आंसर है 1.67 × 10⁻²১। यहाँ क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन ड्रॉप पूछ रहा है, तो पहले आप वन ड्रॉप का मास निकाल लीजिए, फिर वन ड्रॉप का मोल निकाल लीजिए, और जब हमें मोल कैलकुलेट हो जाता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं।